हेलो गाइज, मैं अमरीश शर्मा। आज का हमारा न्यू सेशन और आपके लिए एक ऐसा सेशन जिस सेशन में आपको कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये सेशन हमारे लिए एक इतना इम्पोर्टेंट सेशन होगा। यहाँ पर हम वन वन सब्स्टिट्यूशंस बाय HGR हमारे चैनल का नाम है, विच चेंज लाइफ कॉन्सेप्ट। ये आपके जीवन के जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, उसको ही चेंज कर देगा। आपके अंदर धारणा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मैं कभी भी वन वन सब्स्टिट्यूशंस याद नहीं कर सकता, उसके याद करने कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। अगर आप इस आज की छोटी सी वीडियो को, मैं डेली 5 से 6 वन वन सब्स्टिट्यूशन डाला करूँगा, अगर आप उसको कर लेते तो आप जीवन भर कभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाएंगे। इन वर्डों को, इन मीनिंग्स को कभी भी आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं और आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर ये बताएं कि आपको हमारा आज का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ताकि हम भी शेयर कर सकें। हम सोचते हैं कि जो हमने मेहनत की है, वो मेहनत किसी के लिए वैल्यूबल है, उसकी कुछ अहमियत है, तो हम उस मेहनत को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अन्यथा हम भी हताश हो जाते हैं। तो गाइज, आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको ये सेशन, जहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए गए हैं, ये आपको कैसे लगे और आपको इनका अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करना है, रोज़ाना प्रयोग करना है, ताकि आप इसको कभी भी ना भूल पाएं। इसलिए हमने रोज़ के सेशन में केवल 5 ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। नंबर 1, वन हु यूज अगली डिजिटल हैंड राइटिंग। इसका हिंदी अर्थ है अशुद्ध, अस्पष्ट या क्रूप लिखने वाला कुलेखक। इसको बोलेंगे हम कैकोग्राफर। आज से आपका दोस्त, आपके आस पड़ोस में कोई भी अशुद्ध लिखने वाला आपको मिले तो आप उसको क्या कहोगे? कैकोग्राफर। आप क्या कहेंगे उसको? कैकोग्राफर। नंबर 2, ए पर्सन Who is bad spelling? यहाँ पर क्या था? उसकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, वो अशुद्ध लिखता था, अस्पष्ट लिखता था, वो क्या था? कैकोग्राफर। और यहाँ पर क्या है? ए पर्सन हु इज बैड स्पेलिंग। अशुद्धि या वर्तनी की गलती करने वाला, सॉरी ये नालाल हो गया, इसको सही करेंगे आप। ये आपका यहाँ पर वाला है, इसको काट देते हैं। करने वाला कुलेखक, इसको आप क्या बोलेंगे? कैकोग्राफिस्ट। यहाँ ऊपर क्या था? कैकोग्राफर। और नीचे क्या है? कैकोग्राफिस्ट। अर्थात जब आपको किसी की लिखावट में बुराई मिलेगी, गलती मिलेगी, तो कैको तो वहाँ होना ही होना है। कैको मीन्स गलत, तो कैको होना है। लेकिन ग्राफिस्ट ऊपर क्या है? ग्राफर। और नीचे क्या है? ग्राफिस्ट। तो ये अंतर है ग्राफर और ग्राफिस्ट में। तो आपको जहाँ पर वर्तनी की गलती मिलेगी, अशुद्धि मिलेगी, वहाँ पर आप क्या करेंगे? कैकोग्राफिस्ट। ठीक है गाइज। नेक्स्ट नंबर 3, इनका आप डेली लाइफ में डेली प्रयोग करेंगे। नंबर 3, ए पर्सन विद ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट हैंड राइटिंग। हिंदी अर्थ, सुंदर लिखने वाला सुलेखक। सुंदर लिखने वाला सुलेखक, इसको आप क्या बोलेंगे? ग्राफर तो सब में लगना है, लेकिन कैली, कैलीकर्त सुंदर, कैलीकर्त सुंदर। अगर आपके आस पड़ोस में आपका बहन भाई, किसी की राइटिंग सुंदर आपको लगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कैली ग्राफर। तो आज से आप इसका प्रयोग करेंगे, जो अशुद्ध लिखता है कैकोग्राफिस्ट, जो अस्पष्ट लिखता है कैकोग्राफर, जो सुंदर लिखता है कैलीग्राफर। नंबर 4, वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। फ्लैश कहते हैं मांस को, मनुष्य का मांस खाने वाला नरभक्षी। ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता हो, उसको क्या बोलेंगे हम?
नरभक्षी, उसको इंग्लिश में कौन से मीनिंग से प्रयोग करेंगे हम, कौन से मीनिंग का प्रयोग करेंगे? कैनिबल। क्या करेंगे? कैनिबल। अगर कोई आपको ऐसा लगे कि वो नरभक्षी है, आपको कहना है नरभक्षी, तो आप नरभक्षी ना कहकर वहाँ पर कैनिबल का प्रयोग करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का ही, मनुष्य का ही मांस खाता हो। नंबर 5, द हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, चैप्टर्स ऑफ बुक। हिंदी अर्थ, किसी पुस्तक के अध्याय विषय के ऊपर में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी अर्थात शीर्षक। उसको अब क्या जानते हैं, अब इंडेक्स कहते हैं, लेकिन आज से आपको क्या बोलना है, आपको कैप्शन का प्रयोग करना है। आप क्या बोलेंगे गाइज, आप आज से कैप्शन का प्रयोग करेंगे। एक बार रिपीट इट, आप दोबारा फिर से देखें। 3 तो बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम हैं भाई। अशुद्ध स्पष्ट रूप लिखने वाला, कैकोग्राफर, ग्राफर इसमें भी है, यहाँ पर ग्राफिस्ट है और यहाँ पर भी ग्राफर है। जहाँ पर कैको लगेगा इसका अर्थ बुरा है, अर्थात कुछ गलती वाला कार्य हुआ है, आपको छाटने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ऑप्शन वाइज आपका कोई पेपर है तो वहाँ आप बड़े आराम से इसको लगा देंगे। सुंदर है तो कैली, कैली माने सुंदर। अगर वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी है तो कैनिबल। अगर हेडिंग है किसी आर्टिकल्स का, किसी चैप्टर के बुक का, न्यूज़पेपर का, तो आप उसको कैप्शन बोलेंगे। तो गाइज, आज का हमारा एक छोटा सेशन जहां पर हमने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए, और हम डेली 5 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके समक्ष एक इतने इजी वे में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि आप साथ साथ में आपके याद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आप वन वन सब्स्टिट्यूशन जहां आपने देखे आप भाग खड़े हो, नहीं भाई ये मुझसे होने वाले नहीं हैं। आज से आपको ये कहानी का इसका दी एंड करना है, क्योंकि आज से आप साथ साथ जब वीडियो वॉच करेंगे साथ साथ आपके ये लर्न हो जाएंगे। केवल आपको क्या करना है, इनका प्रयोग अधिक से अधिक अपने डेली लाइफ में करना है। और करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इनका प्रयोग करें, अगर आप करते हैं तो आप इनको नहीं भूल पाएंगे। अगर आप किसी कन्वर्स नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको हफ्ते में एक बार ये वीडियो वॉच करनी होगी। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।